हिमाचल के सीएम जयराम के गृह जिला मंडी में भी किसान सम्मान निधि में लगभग 2 करोड़ का फर्जी भरा हुआ है। 1889 किसान अपात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इनमें 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जो आयकर देने के बावजूद निधि का लाभ ले रहे हैं। कुछ तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी हैं। इस दायरे में आने वाले मंडी के 1800 किसानों से लगभग 2 करोड़ की रकम वसूली जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। बता दें कि मंडी में इस योजना के तहत करीब 1.5 लाख किसान लाभ उठा रहे हैं। 1800 किसान ऐसे हैं जो आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ लेते रहे हैं। ये अपात्र किसान 1 से अधिक किस्तें ले चुके हैं। कई किसान 10,000 रुपए पेंशन होने पर भी योजना की रकम लेते रहे। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि आयकर विभाग ने बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड नंबर से मिलान किया तो यह गड़बड़ी उजागर हुई है। अन्य अपात्र पीएम किसान पोर्टल के सत्यापन में पकड़ में आए। अब इनसे रिकवरी की जाएगी। अगर कोई अपात्र व्यक्ति रिकवरी देने से मना करता है तो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मंडी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में हमें एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से आई है, जिसमें कि 1800 के करीब ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि इनकम टैक्स पे ही है और उस व्यवस्था से उनको लाभ नहीं मिल सकता है। तो जैसे सूचना हमारे पास आई है, हमने अपने फील्ड एजेंसीज को SDMs के माध्यम से इसकी छानबीन के लिए भेजा है और उसमें जो अमाउंट है वो 1.97 करोड़ का अमाउंट है, जो कि अलग अलग किस्तें इन लोगों को गई है। तो उसकी पूरी थरो इंक्वायरी की जा रही है और जितने भी अपात्र होंगे उनसे रिकवरी का भी आदेश आया है, तो रिकवरी उनसे की जा रही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं सर जिन्होंने अभी तक वापस कर दिए, ऐसे आए कुछ? अभी ये जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, अभी हम रिव्यू किया, हमने फील्ड में भेजा है तो समय समय पर हम उसका रिव्यू करते रहेंगे और उस तरह से सरकार को भी अवगत कराते रहेंगे। इसमें देखने की बात है कि जैसे क्योंकि अब ये डिटेल्स हमारे पास आई, उस आधार पे हमने गतिविधि शुरू कर दी है, तो पहले तो इसमें छानबीन की जाएगी कि क्या लोगों की गलती है, कि क्या उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया है जिस वजह से उनको ये लाभ मिला है या कोई और कारण है। तो जब इसका कारण पता चल जाएगा तो उसके अनुसार फिर अकॉर्डिंगली उस एक्ट के अनुसार एक्शन लिया जा सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।